नेक्स्ट देखो बेटा सैंपल पेपर सेक्शन डी सेक्शन डी है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सम टू n terms 4 plus 44 plus 444 plus and so on ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਸੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਦੇ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਮਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 1 plus 11 plus 111 ਐਂਡ ਸੋਨ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨਓਸੀ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 9 99 प्लस 999 ਐਂਡ ਸੋਨ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 4/9 9 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 9 ਨੂੰ 10 माइनस वन प्लस ऐसे तरह नाइनटी नाइन लिख हैं हंड्रड माइनस वन नाइन नाइनटी नाइन लिख सकते वन थाउजेंड माइनस वन एंड सो ऑन ए बेटे यद हो गया कि फोर ओवर नाइन इन टू हूँ जो सूँ पता वे कि सारिया टर्म्स जड़ियाँ है एंड टर्म्स ने अप टू एंड टर्म्स ये भी यंड टर्म्स अप टू ਐਂਡ ਟਰਮਸ ਸਭ ਕੁਝ ਐਂਡ ਟਰਮਸ ਆਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਜੜੀ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 1 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10 प्लस 100 प्लस 1000 ਐਂਡ ਸੋਨ ਅਪ ਟੂ ਐਂਡ ਟਰਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ 1 1 1 ਐਂਡ ਸੋਨ ਅਪ ਟੂ एन टर्म्स ये भी एन टर्म्स आ गया हूँ देखो नैक्सट जो एन टर्म बन गया तो इन लिखांगे दिस इज इक्वल टू फोर ओवर नाइन हूँ नज़र आ गई कि यह जोड़ी जीपी सीरीज है ठीक है ना जी पी सीरीज बन गई ना टेन हंड्रड प्लस वन थाउजेंड कॉमन रेशियो सेम है हंड्रड ओवर टेन टेन 1110 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਮਾ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਜੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਐਨ টারਮਸ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਐਨ টারਮਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a into r a to power n minus 1 over r minus 1 ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਫ r ਇਸ ग्रेटर दैन वन हो नीचे आर माइनस वन लगाना है सी अगर आर रेशो जी है लैस दैन वन हो फिर असी वन माइनस आर तो उपर भी वन माइनस आर रिस्ट पावर एन लगाई जाए ठीक है एना मतलब इतने हूँ जोड़ा टैन है वो जोड़ा वै ग्रेटर दैन वन है इस करके इतने वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हूँ ए जोड़ा वे, तड़ा टेन, जड़ी जड़ी वे टेन वो थोड़ा है टैन ठीक है इन टू रेशो जी वह भी टैन है होगी टेन रिस्ट पावर एन माइनस वन ओवर n 1 ਹੁੰਜੜਾ ਤੜਾ 1 ਐ n ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਐਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ -n ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ n ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵੈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1 1 1 ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ बड़े बच्चे कहनगे कि तीन बारी जोड़या जद की डैश जड़ी है ओदा मतलब है कि आगे कंटिन्यू नंबर n तकन n टाइम आनगे ये वन ते जे assi 1 ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ n ਟਾਈਮ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਰੇਗਾ n ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ 4/9 ਇੰਟੂ 10 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ टैन रेस टू पावर एन प्लस वन माइनस टैन ओवर आ गया नाइन माइनस एन नैक्सट स्टैप स्टैप वाइज चलो काली ही नहीं करनी स्टैप वाइज चलोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होएगा हम दोबारा एलसीएम आ जाएगा नाइन ये आ जाएगा टैन रेस टू पावर एन प्लस वन माइनस टैन माइनस नाइन एन ठीक है तो एनों जो अभी सॉल्व करा तोड़ा आंसर एन नाइन जरा बहर लै जो आंसर आ गया थोड़ा फोर ओवर 81 वन इंटू टैन रेस टू पावर एन प्लस वन माइनस टैन माइनस नाइन एन एडा की आ गया आंसर ठीक है इस तरह फोर्टीन का सेकंड पार्ट जरा वो करा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का सेकंड पार्ट वो है तो एट प्लस एटी एट प्लस एट हंड्रड एट एंड सोन सेम क्वेश्चन है ठीक है एना मतलब ये भी तरह आ जाएगा एदल्यूशन जिस तरह उन्हें दोबारा अपने आप करके वेखो तो क्लीयर हो जाएगा कि पहले एटी एट कॉमन लिया वो बन गया वन प्लस इलेवन प्लस वन हंड्रड इलेवन प्लस एंड सोन एद रखना किनिया टर्म्स ने उपर लिखे उन्हें सम टू एंड टर्म्स एना मतलब अप टू कि टर्म्स ने एंड टर्म्स एंड सोन एंड टर्म्स फिर नैक्सट स्टैप की करना असी नाइन ना मल्टीप्लाई तो नाइन ना डिवाइड करता नाइन प्लस नाइनटी नाइन प्लस नाइन हंड्रड नाइनटी नाइन एंड सोन अप टू एन टर्म्स टोटल टर्म्स कि बनिया एन फिर उस तरह बेटे जिस तरह अिछले क्वेश्चन किया कि एट ओवर नाइन जड़ा तरह तेन अंदर वाला नाइन जरा चेंज कर देना यह आ जाएगा एट ओवर नाइन इन टेन माइनस वन प्लस हंड्रेड माइनस वन प्लस थाउजेंड माइनस वन प्लस एंड सोन अप टू एन टर्म्स ठीक है एन टर्म्स आ गया फिर उस तरह एट ओवर नाइन टेन प्लस हंड्रेड प्लस थाउजेंड प्लस एंड सोन अप अपू एन टर्म्स जरा अलग कर लिया माइनस वन जरा वो अलग कर लिया माइनस सार्या माइनस कॉमन आ गया वन प्लस वन प्लस वन एंड सोन अप टू एंड टर्म्स ये आ जाएगा एट ओवर नाइन फिर उस तरह जी पी बन गई सेम फार्मूला लग गया टेन इन टेन रेस टू पावर एन माइनस वन ओवर टेन माइनस वन ये आ गया एन टाइम्स ठीक है इस स्टेप तो समझाया पहले जिस तरह आया उस तरह ही दोबारा आ जाएगा यह आ गया एट ओवर नाइन टेन अंदर लै लो टेन रेस टू पावर एन प्लस वन माइनस टेन ओवर नाइन माइनस एन एट ओवर नाइन टेन रेस टू पावर एन प्लस वन माइनस टैन एलसीयम असी ले नाइन माइनस आ गया नाइन एन तो नैक्सट स्टैप असी नाइन जरा उन्हें ना मल्टीप्लाई करता एट ओवर uh, 81 वन आ गया एट ओवर एटी वन इन टू आ जाएगा टेन रेस टू पावर एन प्लस वन माइनस टेन माइनस नाइन एन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन question number 15 find the mean deviation from the mean from the mean for the data for the data 38 सैवेंटी फोर्टी एट फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फाइव सिक्सटी थ्री फोर्टी सिक्स फिफ्टी फोर तो फोर्टी फोर काउंट कर लो दस नंबर ने टोटल ठीक है गिन के इस तरह दस उतार लेने तुम्हें असी निकालना मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द डाटा दिस सब तो पहला काम की है असी एक्सआई लिख ला एक्सआई आ गया थर्टी एट सैवनटी फोर्टी एट फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फाइव सिक्सटी थ्री फोर्टी सिक्स फिफ्टी फोर तो फोर्टी फोर यह आ गया ढा एक्सआई ठीक है ਅਸੀਂ ਕਢਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਢਾਲਣਾ ਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਨ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਕਢਾਲਣਾ ਸੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੀਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਨ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਢਾਲਾਂਗੇ ਮੀਨ ਕਢਾਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨ ਕਢਾਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਆਈ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਹ ਸੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ 8 ਤੇ 8 16 16 ਤੇ 2 18 18 ਪੰਜ 23 23 ਤੇ 6 26 26 ਤੇ 6 32 32 ਤੇ 8 40 ਹਾਸਲ ਆਇਆ 4 4 ਤੇ 3 7 7 14 4 18 4 22 4 26 5 31 6 37 37 ਦੇ 4 41 41 ਤੇ 5 46 40 ਤੇ 4 50 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 500 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਿਸ਼ਨ xi ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ دی ਆਈ ਕੱਲਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਾਣਨਾ ਮੀਨ ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨ ਐਕਸ ਬਾਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਆਈ ਓਵਰ ਐਨ ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਆਈ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ 500 ਤੇ ਐਨ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਆ 10 ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 50 ਐਕਸ ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਐਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਆਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 50 ਹੁਣ ਐਕਸ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਡੀ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਡੀ ਆਈ ਨਿਕਾਲੀ ਦਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ ਆਈ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬਾਰ ਐਕਸ ਬਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਕਮ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗੀ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਐਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ हूँ पंजा माइनस यानी कि एक्चुअली जो अठत्ती माइनस पंजा आने ना ठत्ती माइनस पंजा हों माइनस बारह पर मॉड ने पॉजिटिव बना देना इस करके कि आ गया बारह सत्तर माइनस पंजा ये आ गया भी ठीक है नैक्स पंजा चौताली घटा लो आ गया दो दस अठ पाँ ठीक है त्रेंट पंजा गए तेरह 46 ਤੇ 4 50 54 ਤੋਂ 50 ਗਏ ਇਹ ਆਣਾ ਹੈ 4 ਇਹ ਵੀ 4 ਆਣਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 4 ਠੀਕ ਹੈ 44 ਤੇ 6 50 ਇਹਨੂੰ ਆਡ加 ਲਓ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਮੇਸ਼ਨ DI ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ DI ਦਿਸ ਇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 2 4 4 8 12 5 17 3 20 20 ਤੇ 4 24 चार अठाई तो छ चौंती आंसर लाए तीन तीन एक चार दो छः, एक सत्त एक अठ आ गया एटी एटी फोर आ गया समेशन डी आई ठीक है हम नैक्सट निकालेंगे अं मीन डेविएशन बाय मीन लिखो मीन डेविएशन अंदर ब्रैकेट लिख दो बाय मीन दिस इज इक्वल टू तो फार्मूला फिर उ समेशन मॉडुलस ऑफ डी आई ओवर एन ये आ गयाे को दिस इज़ इक्वल टू एटी फोर एन है टेन आंसर आ गया तेरे को दिस इज इक्वल टू एट पॉइंट फोर एट पॉइंट फोर आंसर ठीक है उस तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है बेटा अगला क्वेश्चन अगला है स्टैंडर्ड डेविएशन तो वेरियंस आप निकालना है क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ का सैकेंड पार्ट Oh, uh, find the variance find the variance and standard deviation for the data 6 8 10 12 14 16. 18 20 22 ਤੇ 24 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਢਾਲਣਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਅਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਢਾਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਢਾਂਗੇ ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੀਨ ਕਢਾਲਣਾ ਪਏਗਾ ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ए हो गया थोड़ा एक्स आई हो गया सिक्स एट टेन ट्वैल्व फोरटीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी, ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर इत लिख लो हम समेन एक्स आई ठीक है सारे सार्या क्डा कि आया छे तो अठ चौदह चौदह तो दो सोलह सोलह चार भी छब्बीस छब्बीस अठ चौती चौंती पैंती छत्तीस चार चाली आंसर लाए चार पाँच छः सत्त अठ नौ दो ग्यारह बारह तेरह तो चौदह पंद्रह यह आ गया एक सौ पंजा यह आ गया समीशन एक्सआई पहले आपको निकालना मीन मीन का फॉर्मूला की हों सिकल हूँ ही आपको किता एक्स आई ओवर एन ये हो गया एक सौ पंजा गिन लो नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10 ਇਹ ਵੀ 10 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਤੜਮੀਨ ਆ ਗਿਆ 15 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ DI ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ DI ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ DI ਮਾਡ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ DI ਮਾਡ ਨੇ ਕੱਢਣਾ xi x ਬਾਰ ਜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ पॉजिटिव लिखना है ठीक है हमारे को जोड़ा मीन आया हुआ है पंद्रह छे माइनस पंद्रह बन गया माइनस नौ अठ माइनस पंद्रह बन गया माइनस सत दस माइनस पंद्रह माइनस पं बारह माइनस पंद्रह माइनस तीन चौदह माइनस पंद्रह माइनस एक सोलह माइनस पंद्रह हो गया एक अठारह माइनस पंद्रह हो गया तीन भी माइनस पंद्रह हो गया पां 22 15 हो गया 7 ठीक है तो 24 15 हो गया 9 ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ ਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਮੇਸ਼ਨ d² n ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ d² ਕੱਢਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ d² डी स्केयर जरा हम नैगेटिव पॉजिटिव कर देना ठीक है माइनस नौ गुना माइनस नौ गया एटी वन पॉजिटिव ही आए गए फोर्टी नाइन ट्वेंटी फाइव नाइन वन वन नाइन ट्वेंटी फाइव फोर्टी नाइन तो एटी वन हम इन सारे असी जोड़ लाँगे समेन डी स्केयर आ जाएगा नौ ਤੇ 10 5 15 15 ਤੇ 10 25 25 ਤੇ 10 35 40 40 ਤੇ 10 50 ਅਨਸਰ ਆਇਆ 5 5 8 13 4 17 2 19 20 21 4 25 ਤੇ 8 25 ਤੇ 8 ਹੋ ਗਏ 33 330 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ 330 10 ਕਿੰਨਾ ਅਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਥਿਸ ਇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 33 यह निकल आया तोड़ा वेरीएंस हूँ जोड़ा स्टैंडर्ड एविएशन है वो है अंडर रूट ऑफ वेरीयस अंडर रूट ऑफ वेरीएंस दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थर्टी थ्री थर्टी थ्री हूँ अंडर रुट थर्टी थ्री किस तरह सॉल्व करना है बहुत सारे बच्चों अंडर रुट फिर भुल चुका होना एनू देख लो किस तरह सॉल्व करना असी दिस इज इक्वल टू ए हम जिस तरह असी लिखा थर्टी थ्री ठीक है थर्टी थ्री जो लिखा तो यू हम स्केयर आउट करने का तरीका देख लो कि आप होंगे ठीक है पेयर ऑलरेडी बनया है पेयर है तो उस तो बाद एदेयर टेबल गिना गए एक एक कम एक दो दूनी चार तीन तीन नौ चार चौके सोलह पंजू पच्ची छे चिका छत्ती छत्ती गया यदा मतलब पाँच जाएगा पंजू पांजा पच्ची ठीक है पंजू पांजा पच्ची आ गया ते तेरह चो पंच गए किए अठ डेसीम तो बाद हमेशा दो जीरो लगा क्योंकि अयर उतारना पेयर नीचे आ गया हूँ पंते पांच, पांच किन्ने हो गए इतने जोड़ के लिखना है गुना अस नंबर न करना है हूँ दस आ गया मतलब इतना नंबर उतारा अस एक सौ एक सौ एक निकना करा एक, एक, एक सौ दो, दो ना। एक सौ तीन नीन ना 104 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ 105 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ 106 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਤੇ 107 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਤੇ 108 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ 8 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 864 ਆ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਤੇ 100 ਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ 100 7 7 7 7 49 7 1 7 ਡੈਸੀਮਲ 7 749 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 51 ਅਗੋ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪੇਰ ਉਤਾਰੋ ਫਿਰ ਪੇਰ ਉਤਾਰੋ यानी कि अप्रोक्सीमेटली फाइव पॉइंट अगो फिर इतें क्योंकि असी उतारे से सत्त हूँ बस अगला स्टैप की करना की एक सौ सत्त के सत्त जोड़ने या तो सतवंजा सतवंजा जोड़ा या फिर एक सौ सत्त सत्त जोड़ा तो एक सौ सत्त जमा सत्त हो जाएगा एक सौ चौदह तो इतें कक्श उतारा हम देखा इत इतना एक ना करा तो ठीक है ना एक ना ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1141 ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1141 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 1142 ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 1100 42 43 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ 1143 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 3 ਚੋਕੇ 12 3 1 ਘਮ 3 ਤੇ 4 3429 ਇਹਨਾਂ ਮळे 1144 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 4 ਨਾਲ 4 ਚੋਕੇ 16 चार चौके सोलह तो एक सतारा चार एकम चार एक चार एकम चार चार एकम चार पंतालीस सौ छिहत्तर यहाँ मतलब चार तो चला गया पंताली सौ छिहत्र ठीक है बाकी अगों अगों करी जाओ तो आंसर आ जाएगा सू डेमल तकरीबन दो अक्षर तक चाहिए तो आ गया साढ़े को फाइव पॉइंट सैवन फोर यानी कि आंसर आ गया दिस इज इक्वल टू फाइव पॉइंट सैवन फोर आंसर है गया स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है हूँ इस नैक्स क्वेश्चन जोड़े ने ग्राफ वाले ग्राफ वाले असं करा ग्राफ कॉपी उपर देखो इस तरह ही बजारों कापी ले ग्राफ वाली एक पास लाइना वाला पेज है एक पासा है ग्राफ वाला पेज है लाइना वाले पेज के उपर क्वेश्चन करना है? कि ग्राफ वाले पेज के ऊपर तीस ग्राफ ड्रा करना ठीक है हम देखो क्वेश्चन की हाँ है जी क्वेश्चन है सॉल्व क्वेश्चन नंबर थोड़ा है सिक्सटीन सॉल्व थ्री एक्स माइनस सैवन लैस दैन फाइव प्लस एक्स इलेवन माइनस फाइव एक्स लैस दैन इक्वल टू वन एंड रिप्रजेंट द सोल्यूशन सैट ऑन द नंबर लाइन एंड रिप्रजेंट द एंड रिप्रजेंट द सोल्यूशन सैट ऑन नंबर लाइन ऐसी नंबर लाइन पर बना रहे हैं ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ on ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਐ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪੇਜ ਤੇ ਉਤੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਐ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 3x ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 3x 7 3x 7 less than 3x 7 less than 5 plus x ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨ ਇਕੁਐਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈਸ ਦਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ x ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ x ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਧਰ तो माइनस करा एक्स ठीक है तो लिखा सबट्रैक्टिंग एक्स फ्रॉम बोथ साइड्स दोनों साइड्स से अपना जो एक्स है वह माइनस करता वाल की हो गया बन गया थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस सैवन लैस दैन फाइव प्लस एक्स माइनस एक्स एक्स ना एक्स कट्ट गया तो यह बन गया तो को टू एक्स माइनस सैवन लैस दैन फाइव नैक्सट काम की है साढ़ा कि सैवन जोड़ा असीनों से दूसरी साइड चेंज करनी है हूँ माइनस सैवन एन हटाने वास्ते असी इधर प्लस सैवन करा इतना मतलब ऐड कर दो बाय एडिंग सैवन बोथ साइड्स दोनों साइड्स से अपना सैवन जोड़े आ एड करते वो बन गया टू एक्स माइनस सैवन प्लस सैवन लैस दैन फाइव प्लस सैवन माइनस सेवन ना प्लस सेवन कैंसल हो गया टू एक्स लैस दैन ट्वेल्व हो गया तो एक्स जड़ा हूँ असी टू एक्स जोड़ा वै टू मल्टीप्लाई हो रहा है यद तो वो अंक खत्म करने लिये असं करे डिवाइड करा डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड दोनों सैड टू जरा टू ना डिवाइड करता याद रखना कि यह चेक करना है कि टू पॉजिटिव होना चाहिए तो फिर जो पॉजिटिव होएगा फिर कोई भी इन इक्वलरी जी चेंज नहीं होएगी ये बन जाएगा टू एक्स ओवर टू लैस दैन ट्वेल्व ओवर टू टू ना टू कैंसल हो गए दो छिके बारह एक्स लैस दैन सिक्स आ गया यह होगी फर्स्ट इन इक्ुएशन हूँ नैक्सट आपकेंड इन इक्ुएशन सॉल्व करा सैकेंड इन इक्ुएशन सी ता को इलेवन एक्स लैस दैन इक्वल टू वन इलेवन एक्स लैस दैन इक्वल टू इलेवन माइनस फाइव एक्स इलेवन माइनस फाइव एक्स लैस इक्वल टू वन इलेवन माइनस फाइव एक्स लैस इक्वल टू वन हूँ इत भी उस तरह हूँ माइनस एक्स फाइव एक्स है चाहे तो उन्हें उधर लै जाओ या इलेवन उधर लै जाओ तो यह बन जाएगा अगर इलेवन उधर लेके जाइए तो इलेवन प्लस दे है। उधर जाने वास्ते इन खत्म करने ली सू इलेवन जोनों पास्य सबट्रैक्ट करने पैनगे बाय सबट्रैक्टिंग इलेवन फ्रॉम बोथ साइड दोनों पासे असी इलेवन जड़े आ सबट्रैक्ट करते इलेवन माइनस फाइव एक्स माइनस इलेवन लैस दैन इक्वल टू वन माइनस इलेवन हूँ इलेवन ना इलेवन कैंसल हो गया ए बन गया माइनस फाइव एक्स लैस दैन इक्वल टू माइनस ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ -5 ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ -5 ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਬਾਏ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਬਾਏ -5 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ -5 ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੇਨ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ कि मल्टीप्लाई ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨ ਇਕੁਐਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ -5x -5 ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -10 -5 ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨ ਇਕੁਐਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 5 ਟੂ ਦਾ 10 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ x इज ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ टू तो जे असी आपस भी चेंज करना हो ठीक है तो यू अं लिख स टू इज़ लैस दैन इक्वल टू एक्स टू इधर लैंबा तो एक्स इधर लैंबा तो यह थोड़ा चेंज हो गया ठीक है हम नैक्सट देखो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इन इक्ुएशन क्योंकि इक्ुएशन तो है नहीं इन इक्शन वन एंड टू हूँ साढ़े को आया टू इज़ लैस दैन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज़ लैस दैन सिक्स पहली क्वेसन जी साई सी सी एक्स लैस दैन सिक्स दो्ठिया करता पहली क्वेश्चन यह बनी दूसरी क्वेश्चन बनी टू इज़ लैस दैन एक्स दोन इट्ठा करता तो बन गया टू इज़ लैस दैन इक्वल टू एक्स इज़ लैस दैन सिक्स ठीक है उन्होंने असी नंबर लाइन से ड्रॉ करना नंबर लाइन से ड्रॉ करना है तो यह असी लाइन बना ली एडा हो गया प्लस एक्स प प्लस इनफिनिटी इधर आ गया ਕਿ ਕਿ ਤੈਨ ਅਨਫਿਨਿਟੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਧਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦੋ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਤੜਾ 2 ਬਣ ਗਿਆ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲੈਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ ਦੀ ਹੈ ਉੱਲੈਸ ਦਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯਾਨੀ ਟੂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਲੈਸ ਦਨ 6 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੋਂ ਘਟ ਘਟ ਰਹੇਗੀ 6 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ক্লোਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ 2 ਤੋਂ 6 6 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟ 6 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਪਰ 6 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ठीक है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है सिक्सटीन सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है सिक्सटीनथ का सेकेंड पार्ट है सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनईक्वैलिटी सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम of Inequalities Graphically 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 X plus two Y less than equal to eight two X plus Y less than or equal to eight एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो असी ड्रॉ करना ग्राफिकली ठीक है हम एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो का मतलब है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और जीरो के बराबर है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है और जीरो के बराबर है यदा मतलब असं फस्ट क्वाडन की गल कर रहे फस्ट क्वाडन च एक्स पाई दोनों पॉजिटिव होंगे जोड़ा भी असी ग्राफ बनाना बना फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहेगा हाँ जी इतना हूँ फस्टली वी विल सॉल्व द इक्वेन लिखा हूँ एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट वास्ते असी पहले सॉल्व करा तो करना है, पहले बुट पुट करता पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स में जीरो पुट कर दो जीरो प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट ये कोू वाई इज इक्वल टू एट दो चुके अठ तो वाई की वैल्यू कि आ गई चार ये पॉइंट आ गया जीरो चार नैक्सट पुट वाई इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो आ जाएगा एक्स प्लस टू इंटू जीरो इज इक्वल टू एट यू सॉल्व करा आ जाएगा एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एट यानी कि एक्स इज इक्वल टू एट आ गया इतो बी पॉइंट को निकल गया एट जीरो दो पॉइंट आ गए पहली लाइन सॉल्व करा सा दो पॉइंट आ गए जीरो फोरते एट जीरो नैक्सट वई विल सॉल्व द इक्वे टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट नॉल्व करा ठीक है फिर इस तरह पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये बन गया टू इन टू जीरो प्लस वाई इज़ इक्वल टू एट टू इन टू जीरो हो गया जीरो जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू एट मीनस वाई इज़ इक्वल टू एट यहाँ थोड़ा सी पॉइंट आ गया जीरो एट ठीक है फिर नैक्स असी पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू जीरो वाई नो जीरो पुट करेंगे बन गया टू एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एट ये आ गया थोड़े को टू एक्स इज इक्वल टू एट य मतलब आ गया इट इम्पलाइज़ एक्स इज इक्वल टू फोर देना मतलब डी पॉइंट आ गया फोर जीरो डी पॉइंट कितना आ गया फोर जीरो नैक्सटे को सी डी पॉइंट निकल गए पहले हम नैक्सट अं की करा इन ड्रॉ करा पहले फिर उस तो बाद देखा कि नैक्सट की बनता है ठीक है ड्रॉ करने ली फिर तुम इधर आ जाओ असी ग्राफ कापी तो ड्रॉ करा को पॉइंट आ गए जीरो फोर तो एट जीरो हाँ जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਪੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਵੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੀਕ ਪੈਨਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਿਕਤਨ ਲਿਖਤਾ ਪਲੱਸ ਐਕਸ दूसरे पास आ गया माइनस एक्स हूँ असी लाइन लगाती ग्राफ़ ऐसे बनाना फस्ट क्वाड्रेंट ये आ गया तेरे को उपर लिखता असी प्लस वाई नीचे आ गया तेरे को माइनस वाई ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ O ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 0 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 0 4 ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡਾ 0 4 ਤੇ 8 0 ਸੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦੋ ਦੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਵਸੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੜਾ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2 4 6 ਤੇ 8 ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 2 4 6 ਤੇ 8 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 2 3 4 ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ A 0 4 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ A ਆ ਗਿਆ 0 4 B ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ 8 0 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 8 0 ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ AB ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ हूँ यहाँ वै वह ध्यान रखना तुम्हें तो जी लाइन बनाई है पहले चैक करना है कि इतने इक्वल टू साइन है या नहीं है अगर इक्वल टू साइन है फिर असीू डार्क लाइन जोड़ी है वह ड्रॉ करा इतों डार्क लाइन ड्रॉ करती ठीक है फिर उस तो नैक्सट काम की करना आप लाइन की इक्वेन लिखनी है इस लाइन की इक्वेन आ गई x+2y=8 ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਸ ਥੈਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ x+2y=8 ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 2x+y= ਲੈਸ ਥੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਨੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ c ਪੁਆਇੰਟ d ਪੁਆਇੰਟ c ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 0 8 d ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 4 0 ਨੂੰ 0 8 ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ c ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ c 0 8 d ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 4 0 ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ d अगर D एस वैल्यू हैगी है फोर जीरो फोर जीरो इस नी ड्रॉ करा इतने भी इक्वल टू साइन है बस यह ध्यान रखना बिल्कुल सेंटर चो लाइन निकलते हुए जानी चाहिए है इनू डार्क लाइन ड्रॉ कर दो लाइन की क्वेश्चन लिखो एस लाइन की इक्वेन है टू एक्स प्लस वाई एस लाइन की क्वेश्चन है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट ए तो हूँ बन गया ठीक है ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੜਾ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ O00 O00 ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰ x 2y ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਥੈਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਇਆ लैस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू कुछ भी जो दिता हुआ है, सी जीरो प्लस जीरो इज लैस दैन इक्वल टू एट य मतलब हो गया जीरो इज लैस दैन इक्वल टू एट जीरो जोड़ी है वह अठ तो घट हों मतलब ये कि आ गया ट्रू अगर ये ट्रू आ जाए तो फिर असी ओरिजन वालू जावे नैक्सट है फोर इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई लैस दैन इक्वल टू एट इतने भी आ गया जीरो प्लस जीरो इज लैस दैन इक्वल टू एट यह भी आ गया जीरो इज लैस दैन इक्वल टू एट की ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ origin ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ S ਲਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੇ L ਲਾਈਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਆਇਆ S ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਟਰੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ S ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਇਧਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। origin ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੇ S ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ origin ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ NOC शेड कर देंगे यह पूरा यानी कि ती फ कर देना ठीक है चाहे फुटे न बनाओ या ना मर्जी भाई फस्ट क्वाटर रहना चाहिए बस ये देख लेना कि यह जी शेडिंग पोर्शन है तो हाँ फस्ट क्वाडर जोड़ा वो कवर करना चाहिए फस्ट क्वाडरन तो ना ही सैकेंड जाना चाहिए तो ना ही थर्ड आना चाहिए ठीक है तो यहाँ सैंपल पेपर जोड़ा तो खत्म हो गया ओके बेटा